Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। विहान को लगता है कि हम डर के मारे घर बैठे रहेंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन पापा तो क्या हुआ, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? हमें अपनी बेटी पर पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन बाकी दुनिया पर नहीं। अभी पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर हम पूरी तरीके से हिल गए। किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। और शायद यही वजह है कि हमें रचना को इस पार्टी में जाने देना चाहिए। आखिर कब तक हम डर के रहेंगे? इसे चार दीवारी में बंद करके रखेंगे? बात सिर्फ एक विहान की नहीं है जी, इस शहर, इस देश, इस दुनिया में लाखों ऐसे विहान है। किस किस से इसे बचाएंगे? अगर इस बार आपने हमें पार्टी में नहीं जाने दिया ना, तो फिर से विहान जीत जाएगा और जिंदगी भर हमें ताने देता रहेगा। लेकिन ऐसे अकेली? आप चिंता मत कीजिए मौसा जी, रचना अकेली का है, मैं हूं ना उसके साथ। तुम भी जा रही हो? हाँ मौसा जी, और सिर्फ मैं ही नहीं, कॉलेज से बहुत सारे फ्रेशर्स इनवाइटेड हैं, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर हमें परमिशन दे दीजिए। बेटा, हम नहीं चाहते कि रचना को अब कोई और चोट पहुंचे। उसने अपने दर्द के बारे में हमसे कहा नहीं, लेकिन हमें उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दिया। अगर विहान ने इस बार कोई ऊंच नीच की तो हम ऐसा नहीं होने देंगे पापा। आप हमें बेचारी मत बनाइए, हम पे भरोसा रखिए। हाँ मौसा जी, हम ख्याल रखेंगे। You girls are really sweet, huh? Oh, wo dekhiye, just... Hey, good man! Hey, Mr. Super Good, देखो तो कौन आया है। देवी जी प्रणाम। आप क्या पूजा में आई हैं? इससे अच्छा आप साड़ी पहन लेती। Hey dude, क्या तुमने कभी अपने बाल देखे? Just awesome. ऐसा लगता है कि तुम किसी जंगल से भाग कर आए हो। वेलकम वेलकम वेलकम। आप हमारी पार्टी में आए तो कभी हम आपको, कभी अपनी पार्टी को देखते हैं। हाय रचना, ये देखो। वैलेंटाइन डे की पार्टी में आई हो, और वैलेंटाइन नहीं है साथ में। कितनी बेचारी लग रही हो, बट डोंट वरी, मैं इंतजाम करता हूं। माइक प्लीज, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। ये दो खूबसूरत लड़कियां देख रहे हैं आप, क्या है ना, ये आज अकेली आई, इनके पास कोई वैलेंटाइन नहीं। सो आप में से कोई इन्हें डेट करना चाहेगा? आई एम सो सॉरी, कांट हेल्प इट। देखो मैं सीरियसली बहुत कोशिश की, लेकिन कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा, मैं तुम दोनों को एक साथ डेट कर लेता हूं। Come on girls, let's enjoy the party. You're an idiot, Vihan. अरे अरे रचना, तुम कहाँ जा रही हो? गुंजन को तो फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें it seems difficult. In fact, impossible. मुझे सही में बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। क्या करें क्या करें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वैलेंटाइन बन जाता हूँ। और वैसे भी रचना अगर यही चाहती थी कि विहान अग्रवाल हमेशा उसके साथ है, है ना रचना? ऑन चलो। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ किसी की वैलेंटाइन नहीं बनने आए हैं, बल्कि तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए आए हैं। तुम्हें क्या लगा था कि हम जिंदगी भर तुम्हारी वजह से रोने वाले हैं, शर्म के मारे मुंह छिपाने वाले थे? Forget it, विहान अग्रवाल,
हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, डांस करने के लिए, हंसने के लिए, इसी के लिए पार्टी होती है, राइट? रचना अब आगे बढ़ चुकी, तुमसे कहीं दूर आगे, सुनकर बुरा लग रहा होगा, नहीं? हम एक एडवाइस दें, ये लड़कों वाला खेल खेलना बंद कर दो, लड़कियों की बेइज्जती करना, उनको रुलाना, उनको परेशान करना, बंद करो ये सब, लड़कियों की इज्जत करना सीखो, नहीं तो पीछे रह जाओगे, बहुत बहुत पीछे। ओ, क्या हुआ? विहान को गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? कोई नहीं, गुस्सा ठंडा कर देते। रिटर्न गिफ्ट अभियान हमें बहन जी बोलने के लिए, क्योंकि बहन जी में भी बहुत दम होता है। यहाँ सर जरा संभल गए, यहाँ एक नहीं दो दो हैं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरी पार्टी में आके मेरी पार्टी खराब करोगी? 68 गड़म चौबे बिहान, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं भाई? तुमने ही ने इनवाइट किया था ना, विथ सो मच लव। तो कहां गया वो सब प्यार एंड ऑल? मुझे पता है तुम नहीं हो मयंक, बस तुम्हारी याद है जो इतनी आती है कि तुम खुद सामने आ जाते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मयंक? तुम्हें देख रहा हूँ कुंजन, तुमसे बात कर रहा हूँ। मयंक प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। And you know my answer. इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज कुंजन, क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? Yes. In fact, सिर्फ यहाँ से ही नहीं, मुझे मुंबई से तुम्हें ऑफर मिला है ना, उसे प्लीज एक्सेप्ट कर लो और बनारस से ही चले जाओ। तुम चाहे मुझे कितना दूर भेज लो कुंजन, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। तुमसे हमेशा इसी तरह प्यार करता रहूंगा कुंजन, ऑलवेज। प्लीज मयंक, मेरे लिए पहले ही सब कुछ बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो। वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कुंजन। ठीक है कुंजन, अगर ऐसा है तो अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि मैं अपना जवाब लेकर आऊंगा। तुम सिर्फ मुझे आवाज देना, मुझे अपने पास पाओगी। टेक केयर। अरे मयंक, व्हाट्स अप यार, कहाँ गया यार बड़े दिनों बाद? लेट्स हैव अ ड्रिंक। नहीं यार, फिर कभी। अरे इट्स वैलेंटाइन यार, चल कम ऑन लेट्स गो। हाय। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से चल। सर आप? हाय। हाँ मैं तुम्हें यहाँ अकेला देखा तो चला आया, ये लो। नो थैंक्स सर, आई डोंट ड्रिंक। मैं भी नहीं पीता, ले लो एप्पल जूस है। मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ अकेले सबसे दूर क्या कर क्या रही हो? हम कुछ भी नहीं, बस ऐसी ठहरे हुए पानी को देख रही थी। ठहरा हुआ पानी? ऐसे कहते हैं कि आज के दिन किसी को अकेले नहीं रहना चाहिए। रियली? तो फिर आपके साथ कौन है? मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा है, अफसोस उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास एक आइडिया है, इट्स अ डांस करोगी? ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। यस ऑफ कोर्स सर।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।